2022 वर्ल्ड कप के लिए जहां समी को एक तरीके से टीम में मौका ही नहीं मिल रहा था, यहां तक कि वो 15 रुपी स्क्वाड में भी नहीं थे इंडिया के, लेकिन अभी ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने कि समी को टीम में लाया गया और प्रैक्टिस मैच में उनका नाम तो था लेकिन प्लेइंग 11 में वो खेल नहीं रहे थे और सिर्फ एक ओवर डाला, लेकिन एक ओवर में ही पूरा मैच विनिंग इफेक्ट ला दिया समी ने। उन्होंने लास्ट में सिर्फ उन्हें एक ओवर डालने के लिए दिया गया और 19 में उसी ओवर में उन्होंने 4 विकेट ले लिए लगातार, जिसमें वार्म अप मैच में इंडिया की जीत भी हो गई। 4 विकेट तो उस ओवर में गिरा, एक रन आउट था और बाकी 3 जो विकेट्स थे वो शमी के बॉलिंग पे आया। हालांकि एक बहुत बेहतरीन कैच विराट कोहली ने लिया था, लेकिन वो खाते में तो शमी के ही जाएगा। और वैसे भी शमी ने बॉलिंग अच्छी की, लगभग 4 से 3 बोले उन्होंने यॉर्कर डाली थी। एक मैं मानूंगा कि उन्होंने गलती से रेंज में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो लगभग 6 हो सकता था, लेकिन विराट कोहली की फील्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो 6 रुक गया। तो ओवरऑल शमी की इतनी बेहतरीन वापसी हुई है और शमी ने एक तरीके से दिखा दिया उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है। उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने 2020 के UAE वर्ल्ड कप में बहुत ही मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने काफी रन दिए थे, तो इस वजह से शायद मैनेजमेंट को लग रहा था कि शमी को इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया। आई होप आप लोगों को भी लग रहा होगा कि शमी को पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 में तो जरूर मौका मिलना ही चाहिए। मेरे हिसाब से तो जरूर मिलेगा, जिस फॉर्म में वो लग रहे हैं मुझे लग रहा है बुमराह की कमी इंडिया को बिल्कुल खलने वाली नहीं है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने भी प्रैक्टिस मैच में अच्छे 3 ओवर्स डाले, 3 ओवर में 20 ही रन दिए और 2 विकेट्स भी लिए। हर्षल पटेल का लास्ट ओवर काफी अच्छा था। लगभग इंडिया मेरे हिसाब से मैच हार ही चुकी थी, आप लोगों ने अगर देखा हो तो 11 रन काफी अच्छे से डिफेंड करे थे शमी ने, जिस वजह से इंडिया को बोर में मैच में जीता। और हर्षल पटेल तो मैं कहूंगा अगेन फेल ही रहे, क्योंकि 3 ओवर में उन्होंने रन तो 30 दिए ही है, तो अगर 2 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए थे और तीसरा ओवर उनका काफी इकोनॉमिक था तो ठीक है। बॉलिंग स्क्वाड में मेरे हिसाब से परफेक्ट थी, बस हर्षल पटेल को रिप्लेस किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं क्रिकेट तक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।